एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सभी भाइयों ने राम राम। अभी हाँ अभी अपन एडिटिंग कर रहे थे तो अभी अभी पापा ने एक काम दे दिया, क्योंकि अपन ने प्रेस से कपड़े उठा के लाने, जो कि अपन ने कल डाले थे ना, अपने शाम के टाइम देखे हो गए, तो वो उठा के लिए आए। अगर नहीं करे होंगे तो भैया दूसरे प्रेस वाले के पास जाने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे करवाने पड़ेंगे प्रेस कपड़े। तो करवाते हैं, लाते हैं, अगर कर दे हो तो अच्छी बात अभी है। भैया हमारे लाल परेड जाने के विचार बन रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना लाल परेड में कार्यक्रम है 10 बजे से। अभी तो 10:10 हो चुके हैं, अभी तक कार्यक्रम स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब वहीं जाके पता पड़ेगी। और आज का ब्लॉग है ना, मैंने एडिटिंग तो कर लिया, अभी तो 8 मिनट तक तो एडिटिंग हुआ है, और सॉन्ग वगैरह डाल देता हूँ। तो दो पार्ट में आएगा, एक तो अभी आ जाएगा 12 बजे, एक आएगा 9 बजे रात को। तो भाई लोगों, आपको दो टाइम देखना पड़ेगी, एक तो 12 बजे देखना पड़ेगी, एक रात के 9 बजे देखना पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉग ही बहुत लंबा है। कम से कम है ना 15 से 16 मिनट का तो आराम से ही बनेगा ब्लॉग। अभी तो 8 मिनट तक मैंने एडिटिंग कर लिया है, बस उसमें सॉन्ग डाल के 12 बजे फटाक से अपलोड करना है। तो भैया बातचीत तो बहुत कर ली है, अब चलते हैं पापा की बर्थडे उठाने, नहीं तो लेट हो गए तो पापा चल जाएंगे। जी भैया, भैया के पास आए तो भैया तो है नहीं, भैया अपन चलते हैं हम घर पे। वो कह रहे हैं 10-1 मिनट से आएंगे, 10 मिनट बाद फिर आते अभी हैं। हम दोबारा आए थे भैया के पास, भैया से तो प्रेस से कपड़े ले लिए हैं। प्रेस से वर्दी ला के पापा को तो दे दिए। अब कल वाले ब्लॉग की थोड़ी सी और एडिटिंग कर लें, थोड़ी सी, फिर उसके बाद चलते हैं लाल परेड ग्राउंड। भाई चलेंगे कि नहीं चलेंगे यार, हैं क्या विचार है माँ का? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, 10 से ज़्यादा टाइम हो गया, देखते हैं अगर हुआ तो चलेंगे, नहीं तो। अच्छा, अब देखते हैं माँ का कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी पता सही से नहीं चल रहा। अब चलते हैं भाई, ऐसे फटा लिया कार्यक्रम, खेलेंगे कितने यार, जहाँ फुटबॉल के बैठने की व्यवस्था है अंदर और क्या। चलो चलो, तुम जी अलग हेटो भाई, भाई मास्क पहन के नहीं आया, पड़ी धीरे से बोलना पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा बोल रही है ना, देखो इसलिए थोड़ा कम आवाज़ में। हमें लगा था भैया खेल वगैरह होगा जहाँ पे, तो यार बैठा हुआ ही, क्यों खेल हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चल रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंह भाई, ये तुम्हारी क्या नाम है, क्यों क्या नाम है इसका? अयांश बोलेगा नहीं वो, अयांश हाउ आर यू। भाई कार्यक्रम में से तो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि भाई अंदर कुछ कार्यक्रम हो ही नहीं रहा यार। हमने सोचा कि फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, भाई कुछ कार्यक्रम ही नहीं है, बस बैठने का कार्यक्रम था, उसमें क्या मजा आता। छोटी भाई भी आ गए, छोटी भाई भी आ गए निकल के। कार्यक्रम में से तो आ चुके हैं, हमें लगेगा भाई मजो आगे वहाँ पे जाके, कछु मजो नहीं आओ, हमें लगेगा फुटबॉल खेलेंगे, कछु फुटबॉल नहीं खेले, एक भी गोल नहीं मार पाए, कुछ मतलब को नहीं रहा यार कार्यक्रम, क्या मतलब का फिर यार, कुछ फुटबॉल मेटबॉल खेलना नहीं था, बस बैठना था और आगे चुन ज्ञान मान देते हैं तो वहाँ में हमें मज़ा आता नहीं, इसलिए हमने कार्यक्रम अटेंड ही नहीं किया। भाई आ गए आप घर पे, आप घर पे कल रात कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग तो भाई तुम्हारा भाई थोड़ी देर से करेगा, अभी भाई थोड़ा सा आराम करेंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे एडिटिंग, क्योंकि ठंडे पानी से नहाएंगे ना तो अपना दिमाग ना ठंडा सा हो जाएगा। जिन भाइयों ने मेरी जो आवाज़ पसंद आ रही है वो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, कहाँ पे अच्छी लग रही है कब बुरी लग रही है, तो अपन वहाँ में सुधार करेंगे। फिर यहाँ पर अपन पहले बार से भाषा बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो कैसे हो, प्रिय वाली भाषा अपन बोलेंगे ही ना। वैसे है ना मुझे ज़्यादातर है ना जे भाषा बोलने में है ना कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों अंदर से ही आता है मज़ा। अभी तो भाई थोड़ी सी देर मोबाइल चला लेते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक की एडिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नहाते हैं। आ यार एक बहुत बड़ी हिट हो गई यार, यूनियन बैंक का अपना खाता है ना, उसमें से भाई पैसे यार माइनस में जा रहे हैं। अभी 22 रुपये थे, मैंने 5 रुपये है ना अपने स्टेट बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र करा, तो भाई वो भी कट गए। 209 रुपये भी थे, अभी कुछ दिन पहले जियो का कुछ रिचार्ज वगैरह करा था, भाई उसका भी रिटर्न नहीं आया, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज या कल में यूनियन बैंक जाते हैं, वहाँ में अपना ये पासबुक है ना उसमें देखवाते हैं भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंट्री पेंट्री करवाते हैं यार, ये तो भैया ऐसे तो नौबत जाए यार, इस पैसे ही माइनस में होते रहेगा तो वो काम। अपनी जे स्टेट बैंक में तो भाई ऐसा आज तक नहीं हुआ, भाई यूनियन बैंक में जरूर पैसा कमी हो जाए यार। चलो अब थोड़ी देर से चलते हैं, पहले तो अपन नहा लेते हैं और थोड़ा सा मोबाइल में ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं, कहा 9 बजे डालना है ना, 9 बजे भाई कब बन जाए पता ही नहीं चलेगा। भाई के लोग अपन नहा तो नहीं रहे सीधे, अभी अपन जा रहे हैं अमन भाई के साथ यूनियन बैंक की तरफ। अमन भाई तो चलेगा कोचिंग, अभी जाना पड़ेगा भाई अकेले। जी आ गए भाई यूनियन बैंक, अब चले ऊपर। बैंक से बाहर निकल रहे थे तो भाई यहाँ पे ताले लग गए यार, अब पता नहीं कितने टाइम और लगे हो यहाँ पे। बोल दिया गार्ड साहब ने, गार्ड साहब ने तो भैया बोल दो बोल अच्छी तरीके से ताला, ज्यादा टाइम ही लगो 1 मिनट ही लगा था, 1 मिनट से भी कम 30 सेकंड लगे थे। और भाई यहाँ यूनियन बैंक में आए ना, यूनियन बैंक वाले कह रहे हैं तुम्हारे खाते में ना 1000 रुपये तुम्हें रखना पड़ेगी, जब जाके ना तुम्हारे बैंक में से है ना पैसा नहीं काटेंगे। अब देखें भाई 1000 डालना पड़ेगी अब भाई, क्योंकि जे अकाउंट में है ना मेरा बहुत सा काम रुक जाएगा अगर ये अकाउंट हटा दिया तो, इसलिए ये अकाउंट चालू रखना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई 1000 डालेंगे फिर कटेंगे ना, फिर आएंगे इनके पास, फिर से भाई पैसा कटते रहे तो नुकसान हो तो जाएगा यार। तो भाई स्टेट बैंक के ATM में पासबुक की एंट्री करवा लेते हैं, बैंक के अंदर करता आना पड़ेगी भैया पासबुक की एंट्री। भाई यहाँ पे एंट्री करवाने आए तो भाई यहाँ पे लाइन ही बहुत है यार, इसमें कोरोना ना हो जाए और दिक्कत हो जाएगी।
पॉजिटिव हो जाएंगे। दो साल की भाग में लगा तक मौसी अच्छा अच्छा सब में फसल भी नॉर्मल ही करते हो हां जिन्हें नहीं होते उन्हें होते ही नहीं है। अच्छा भैया यहां पे लिख रखा है भैया बैंक में है ना कैमरा चलाना अलाउड नहीं है। अंकल ने सही जानकारी दे दी। भैया आप भी सुन रहे हो तो आप भी ना करें मोबाइल वगैरह ना चलाएं बैंक में। वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है यहां पर। अच्छा 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 हां पढ़ लिया नहीं करेंगे सॉरी ठीक है। भाई लोग अपनी अकाउंट की एंट्री तो हो चुकी है पासबुक की। अब अपन चलते हैं इंडियन बैंक। नमित भाई ने कुछ काम दिया है उनका एटीएम वगैरह संबंधित और पूछ जाते हैं उनका भी एटीएम आया है तो वो भी फोन पे वगैरह चालू कर लें। गार्ड वाले भैया ने बोली थी भैया क्या यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है तो भाई अब से वीडियोग्राफी नहीं करेंगे बैंक के अंदर। उनकी बात भी मान लें यार थोड़ी सी यार कछु कछु है ना वो बैंक में अंदर बैठे रहते हैं ना वो थोड़ा लफड़ा सा कर देते हैं मतलब सही से बोलते नहीं है तो इस चक्कर में थोड़ा सा अपन को वीडियोग्राफी करना पड़ता है क्योंकि आपको भी जानकारी पता चले ना। हाँ कल आओगे 12 बजे। अभी पीछे भाई लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो भाई ब्लॉग बना रहा है यार 20 बजे में ब्लॉग बनाना आसान बात तो नहीं रही। वैसे है ना SBI का स्टाफ है ना बहुत बढ़िया है कछु है ना 2-2 महीने में करे ना तो मजा नहीं आया यार तो मैंने थोड़ी है ना गुस्सा सी आए तो मेरे ऐसा मन करेगा वीडियो बना के यूट्यूब पर डाली दो वैसे अपन तो डेली डालें यूट्यूब पर और यहाँ पे भी पता चल जाए कैसे स्टाफ है कैसे स्टाफ ना है। ये बाहर मार्केट साइड है ना थोड़ी ब्लॉगिंग करते हैं ना थोड़ा ये सोर्स कर रहे हो गए ना कुछ ज़्यादा ही आता है इस चक्कर में बाहर तो भाई मुश्किल है और लोग अगल बगल के दौड़ देखे चिका कर रहा है लेकिन भाई अपन ने बहुत मजा आया ब्लॉगिंग करने में। आ चुके हैं भाई इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में नमित भाई का ATM पूछने आए थे भाई ATM तो अभी तक आया नहीं। ये कह रहा है भैया अगले हफ्ते तक आएगा अगले हफ्ते तक इंतजार कर लें। भाई ग्वालियर में है ना इसलिए उनकी बन नहीं पाई। भैया लोग अब मना चुके हैं घर पे अब ये से ऊपर आ रहे हैं जामपल निकाल रहा है भाई भूखी तक तो यही लग रही है कहीं ना कहीं तो खाएंगे ना जैसे उबल खा रहे हैं अपन ठीक है और अभी थोड़ा आराम करते हैं फिर उसके बाद शायद नए घर पे भी जा सके नाबे के लाने रोटियाँ वगैरह खा लें क्योंकि भूख बहुत तेजी के साथ लग रही है। ये रही अपनी दाल रोटी आते हैं फिर दोपहर का भोजन तो खा लिया अभी भैया ने चाय बनाई गर्म गर्म। ये रही भैया चाय और ये रहे बिस्कुट ये भैया मखान है पीते हैं भाई शाम की गर्म गर्म चाय। भैया लोग अपन ने ब्लॉग तो रेड कर लो और भाई अभी थोड़ी देर से डालेंगे अभी अपन थोड़ा भाई लोगों से थोड़ा बातचीत कर रहे थे और आज भाई अपन नहाए ना ये अपन पहली बता दे रहे हैं सही बात क्या है पहली बार नहीं आया भाई ठंड में आज के दिन आज को दिन याद रख लो 27 तारीख के दिसंबर को महीना है और अभी का टाइम हो चुको है 7:15 तो अब थोड़ा सा ब्लॉग में लोग अपलोड करते हैं और बाद से पहले एक मैं जानकारी देता हूँ वहाँ पे अगर आप थोड़ा ये सामान लेना हो तो कैनन का कैमरा है 3000D अगर आपको लेना हो है तो मैसेज वगैरह कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर दो तो मैं कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अभी तो फिलहाल वीडियो डाल दें यूट्यूब पे क्योंकि 9 बजे डालना है ना क्योंकि जो समय हो रहे हैं 1.5-2 घंटा को बाद में अपलोड कर दें सरकारी सिम से करेंगे चलाने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा अपनी जियो को तो नेट पर खत्म ही होगा। चलो भाई लोग कर देते हैं अपलोड वीडियो। भैया लोग अपन ने डाल दिया है लोग अपलोडिंग पर वो अपलोडिंग हो रहा है तो आपको मिल जाएगा 9 बजे तो आप बेफिक्र रहना। और अबे अबे अमन भाई आए हैं तो अमन भाई कह रहे हैं कि भैया जिस तम तक चल रहे हैं तुम ही आएंगे थोड़ा मार्केट तरफ। जो वन कौन भाई का तैयार मैयार हो रहेगा फिर पार्सल रिटर्न करना है। चलो चलो मार्केट से तो हो चुके हैं फ्री अब चलते हैं घर की ओर। तो भाई ये लोग अपन घर पे तो आ चुके हैं और अभी अभी हर्ष भाई आए और ये कार्तिक भाई आए हैं। कैंसिल हो गया मास्क आन दे लगा लो मास्क कैमरा चालू है अब दोबारा शॉट लेना पड़ेगी। चलो अब ले लो इनने मास्क भी लगा लो और अपना डबल बैटरी भी लगा ले डबल बैटरी मतलब चश्मा तुम भी लगाओगे। दूल्हा भी रेडी है और दुल्हन भी रेडी है दोनों ने मास्क लगा लिया है। और अब सुनाओ आपका प्लान बन रहा है भैया? बस अब रात में तुम्हारे घर चलेंगे दूसरे वाले। तो भैया रात को जो प्लान बन रहा हो रात को अपन नए वाले घर पे जाएंगे सुबह के लाने और दाल बाटी को प्रोग्राम भी बन रहा हो वहाँ पे क्या करेंगे वहाँ पे खाएंगे का इनसे पहना के लिए नहीं पियेंगे और पिलेंगे नहीं भाई जे गंदे संस्कार हमारे घर वाले ने सुना है जो पानी पियेंगे हम भी पानी पियेंगे पानी मतलब बॉटर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे कोल्ड ड्रिंक से गला जम जाए। वो कचो नहीं किए गो क्योंकि कैमरा के सामने बोल बे भाई सर हम वहाँ पे ठीक है। और तुम क्या कह रहे हैं बोलो भाई जय राम जी कह रहे हैं राम राम बोलो अब बोलो शॉर्ट में तो बोल रहा हूँ बोलो कैमरे के सामने कैमरे के सामने बस ऐसे हो जाए भैया ऐसे प्रोग्राम बनते हैं ना वैसे चलते अपने नए वाले घर पे वहीं पे सोंगे आज तो। अभी का टाइम हो चुका है 10:05 अपन ने सामान मामा सवेरा रख लिया है भैया ये अपनी गोली रही ओढ़ने के लाने और ये नीचे दरी रही तब बचाएंगे भी सही वहाँ पे यार पलंग मंगलंग पे ठंड बहुत बेहतरीन तरीके पड़ रही और हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी चले फिर भाई नए वाले घर पे। ये लोग अपन आए थे मानव भाई और कार्तिक भाई घर पर थोड़ा बहुत सामान लेने सामान वगैरह सब ले लिया है अब चलते हैं सीधे घर की ओर ठीक है मानव भाई तुम भी चलो यार अरे नहीं तो मैं हम वहाँ पे मिस कर देंगे अरे कोई दिक्कत नहीं।
उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट टाइम चलो है। अरे बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे मानव भाई ये भी, ठीक है मानव भाई। सब्जी वगैरह पैक करवाने के लिए करवा ली, हो गई। चले फिर, चलो फिर राम जी का नाम लेके। राम राम। हर्ष भाई की गाड़ी का मीटर, वाह यार क्या डिजिटल मीटर है। टाइम भी देख लो भाई, टाइम टाइम 10:54। वहीं जल्द से जल्द घर पे, क्योंकि 11 बजे कर्फ्यू लग जाएगा। बस 6 मिनट हो चुके अपने नए वाले घर पे, अब चलते अंदर। सामान मेरे पास ये, हर्ष भाई आराम चलाना बस। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, बच गए बच गए बच गए, थैंक गॉड भाई। लोग अपन ने बिस्तर तो जमा लिया है भैया। अपना रूम जो है ना, बताओ जे अपना रूम कैसा लग रहा हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बहुत सी बार कहता हूँ कमेंट सेक्शन में, जो भी तुम्हें अच्छे लगे ना वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो भाई। तो यहीं पे सोएंगे अभी, तो दाल बाटी वगैरह बनाएंगे। दाल तो अपन ने बाहर से पिक करवा ली थी आनंद भोजनालय से, बाटी अपन यहीं पे बनाएंगे। कंडा की बाटी ना बहुत अच्छी लगी। क्या बन रही भैया अपनी छत पे दाल बाटी? और ये भैया तोड़ रहा है, तोड़ तोड़ अच्छा काटते भाई, तोड़ रहा है, तोड़ो भाई तोड़ो। वाह यार एक शॉट में एक और बार बेहतरीन। लाओ जल्दी भैया, फिर से आंखना बुझ जाए। अब चल गई भाई अच्छे तरीके से। हर्ष भाई ओ दास बॉय एक फोटो खींच दो हमारा। अब चल गई है भैया अच्छे तरीके से यार। अब बना रहे हैं भाई साहब लोहा, और ये भाई लोग अभी हाथ धो रहे हैं। सबसे पहले पहली बाटी को कोर खा लें अपन। हाँ टेस्ट तो भाई है पहली बाटी कोर। तो अपनी दाल बाटी तो बन चुकी है जो कि ये रही, और हम सब लोग खा रहे हैं। तो खाते भैया दाल बाटी, और अगला दिन भी हो चुका है, 28 दिसंबर हो चुकी है। खाते भैया रात का भोजन आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए अब सुबह का भोजन। आप खाते ठंडा ठंडा पान दो भैया, दो जेरा भाई ठंडा ठंडा पान। खाते भैया ठंडा ठंडा पान। कार्तिक भाई ने अभी भी डायलॉग खुआया, खाइके पान बनारस वाला, खाइके पान बनारस वाला, ये गाना भी है साथ में। खुल जाए बंद नकल का ताला, खुल जाए बंद नकल का ताला भैया। सुन लो खाते हैं, चलो चलो खाए। तो मैंने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। आई होप ये लोग आपको पसंद आया हो। तो फिर थैंक यू सो मच भाई जना, एंड बाय बाय। वो जाने से पहले जय श्री राम। और कल से है ना आपको भाषा है ना जो पहले मिलती थी वही मिलेगी, क्योंकि बहुत से मेरे को दोस्त वगैरह कह रहे थे भाई भाषा में चेंज कर। तो अपन ये भाषा चेंज करेंगे आज वाली और कल वाली, ठीक है।